नौगांव पुलिस ने अवैध कट्टा एवं कारतूस बनाने की फैक्ट्री का संचालन करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 6 देसी कट्टे, 1 रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस, अर्ध बने हथियार सहित भारी मात्रा में निर्माण यंत्र व सामग्री जब्त। अवैध हथियार के जखीरा को जब्त कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी कमलेश सोनकिया के विरुद्ध हत्या एवं अवैध शस्त्र सहित 3 अपराध, आरोपी शिवप्रसाद यादव के विरुद्ध बलवा मारपीट सहित 6 अपराध पूर्व से दर्ज। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन ने जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों को अवैध हथियार से संबंधित ठिकानों में दबिश देते हुए हथियार सहित आरोपियों को गिरफ्तार हेतु निर्देशित किया है। साथ ही अवैध हथियारों के स्रोत का पता संबंधित आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु भी निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में जिले के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध हथियार के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। फैक्ट्री के पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इसमें एक व्यक्ति है पूरन अहिरवार जो चंद्रपुरा का निवासी है। ये मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग करता था। ये अवैध कट्टे बनाता था यूट्यूब के वीडियो देख करके एवं अन्य तरीकों से इसने बनाना सीखा था और उसके माध्यम से इसने कुछ लोगों को बेचा, जिसमें पूरन अहिरवार के पास से हमको बहुत सारा जिन इंस्ट्रूमेंट्स बनाता था वो पूरे बरामद हुए हैं और कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। उसके अलावा कमलेश सोनकिया जो गरौली का रहने वाला है, नौगांव का रहने वाला है, उससे हथियार 315 बोर का कट्टा बरामद हुआ है। कदीर खान जो कि नौगांव का रहने वाला है, उससे एक कट्टा बरामद हुआ है। इस प्रकार कुल 7 हथियार हमको इसमें बरामद हुए हैं। इसी के साथ एक अन्य केस में शिव प्रताप यादव जिसके ऊपर 6 अपराध भी पंजीबद्ध हैं ऑलरेडी, उसके पास से भी एक कट्टा मिला है। तो इस प्रकार से टोटल 7 कट्टे, कुछ जिंदा कारतूस और उनको बनाने वाले जो भी इक्विपमेंट्स हैं जिनके माध्यम से ये हथियार बनाते थे वो सारे हमको मिले हैं और इसका पूरा पर्दाफाश हुआ है। इसमें 2 आरोपी और हैं, आनंद ठाकुर और भरत यादव, जिनके आनंद ठाकुर के माध्यम से चूँकि ये और भी लोगों को बेचता था तो उसकी भी अभी अरेस्टिंग शेष है और उनके माध्यम से इन्होंने कहाँ कहाँ अन्य जगह हथियार भेजे हैं उसकी भी तस्दीक की जा रही है। आने वाले समय में उसका भी खुलासा किया जाएगा। कई राज्यों में सर सप्लाई की जाती है? अभी प्रथम दृष्टया पता चला है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इन्होंने सप्लाई किया है, तो हमारी टीम लगी हुई है और निश्चित है, संभावना है कि जल्द से जल्द हमको इसमें सफलता मिलेगी। ये कई वर्षों से, मतलब लगभग 4-5 वर्षों से अभी जो हमें समझ में आया है इंट्रोगेशन में, वहाँ पर बना रहा था और शुरुआत में जब इससे सही नहीं बनते थे तो उन औजारों को ये जो भी बनता था उनको नदी में बहा देता था और फिर बाद में जब सही बनते थे तो पटाखों की जो चिटकी आती है उसका बारूद लेकर के चेक करता था और चेक करने के बाद में यदि सही होते थे तो फिर ये बेचता था। दिनांक 11 जुलाई 2024 को एक व्यक्ति गरौली रोड नौगांव में अवैध हथियार कट्टा लिए घूमने की सूचना प्राप्त हुई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह एवं SDOP नौगांव श्री चंचलेश मरकाम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नौगांव निरीक्षक सतीश सिंह एवं चौकी प्रभारी गरौली उप निरीक्षक नेहा गुर्जर के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित की गई। आरोपी कमलेश सोनकिया उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 20 गरौली रोड नौगांव से एक अवैध 315 बोर देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना नौगांव में धारा 25/27 आर्म्स एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त ने पूछताछ पर उक्त अवैध हथियार एवं कारतूस पूरन अहिरवार निवासी चंद्रपुरा से लेना बताया। उसी तारतम्य में विशेष टीम द्वारा पूरन अहिरवार के निवास स्थान खेत पर बने बाड़े की तलाशी ली गई, जो आरोपी पूरन सिंह अहिरवार उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम चंद्रपुरा के कब्जे से 2 देसी कट्टे, 315 बोर के 1 देसी 6 राउंड हथियार, 1 315 बोर की देसी अद्दी कट्टा, 1 अधबना देसी कट्टा, 1 ड्रिल मशीन सहित हथियार निर्माण करने संबंधी यंत्र एवं सामग्री आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी पूरन द्वारा स्वयं निर्मित अवैध हथियार कदीर खान निवासी नौगांव एवं आनंद ठाकुर निवासी चंद्रपुरा को देना बताया। आरोपी कदीर खान उम्र 37 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 15 नालापार नौगांव के कब्जे से एक अवैध 315 बोर के देसी कट्टा जब्त किया गया। आरोपी आनंद ठाकुर निवासी चंद्रपुरा की तलाशी जारी है। एक अन्य प्रकरण में शिव प्रसाद यादव निवासी गरौली के कट्टा लिए हुए दहशत फैलाने की सूचना प्राप्त हुई। एक अवैध एवं 2 315 बोर के जिंदा कारतूस जब्त कर आरोपी शिव प्रसाद उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम गरौली को गिरफ्तार किया गया, जिसने उक्त कट्टा भरत यादव निवासी ग्राम अम्माहाल हरपारपुर से लेना बताया। अवैध हथियार के प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी कमलेश सोनकिया निवासी गरौली रोड नौगांव, पूरन अहिरवार निवासी चंद्रपुरा, कादिर खान निवासी नौगांव। अन्य प्रकरण के आरोपी शिव प्रसाद यादव
निवासी गरोली को न्यायालय पेश कर जेल भेजा जा रहा है। अवैध हथियार से संलिप्त फरार आरोपी अनंत ठाकुर निवासी चंद्रपुरा, भरत यादव निवासी ग्राम अम्मा हाल हरपालपुर सहित अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अवैध हथियार से संबंधित आरोपी कमलेश सोनकिया उम्र 50 साल निवासी नौगांव के विरुद्ध हत्या एवं अवैध शस्त्र सहित 3 अपराध पूर्व से दर्ज हैं। आरोपी शिवप्रसाद यादव उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम गरोली के विरुद्ध बलवा मारपीट सहित 6 अपराध पूर्व से दर्ज हैं। जब्त माल में 5 देसी कट्टे 315 बोर के, 1 देसी 6 राउंड हथियार, 1 देसी अद्दी कट्टा 315 की, 4 जिंदा कारतूस 315 बोर के, 1 अदबना देसी कट्टा एवं अवैध हथियार बनाने का अन्य सामान भी जब्त किया गया। अवैध हथियार निर्माण करने संबंधी यंत्र एवं सामग्री आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। अवैध हथियार के विरुद्ध छतरपुर पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। संबंधित आरोपियों की तलाश एवं दबिश कार्रवाई जारी है। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए चैनल हेड मनेंदु पहाड़िया की रिपोर्ट।